मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था, इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिदें थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ अब तक मैं आपको ये देता हूँ।